नमस्ते मिक्सी चैनल में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। ये मेरे मॉम की रेसिपी है और रेसिपी का नाम है चना दाल पेटिस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून चॉप्ड कड़ी पत्ता डालेंगे। उसके बाद मैं 1 टीस्पून चॉप्ड हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च आप आपके स्पाइसीनेस के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड अदरक और 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड लहसुन ऐड करेंगे हम। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड प्याज लिए हैं, वो भी ऐड कर लेंगे हम इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को थोड़ी देर पकने देंगे। देखिए प्याज थोड़ा पक चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम चना दाल। अच्छे से मिक्स करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे। हम कुछ इस तरह से प्लेट पर पानी रखकर ढक कर पका लेंगे। थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप्ड काजू, ये ऑप्शनल है बट अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। इसे मिक्स करेंगे और हम इसे वापस प्लेट पर पानी रखकर ढक लेंगे और पका लेंगे। जब तक चना दाल पकने जाती तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। चॉप धनिया ऐड करके मिक्स करेंगे और ठंडा होने देंगे क्योंकि ये फिलिंग है जो हम मैश्ड आलू में फिल करने वाले हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो बॉइल्ड मैश्ड आलू है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है या फिर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे वापस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कटा हुआ कड़ी पत्ता। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये हमने ऐड किया है 1 कप ब्रेड क्रम्स। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। हमें बहुत ही अच्छे से आलू मैश करना है, इसमें कोई भी पीसेस नहीं होने चाहिए आलू के। इसके बाद ये मैंने लिया है भीगा हुआ पोहा, उसे भी अच्छे से मैश करके आलू के साथ मिक्स कर लेना है। आलू को अच्छे से मिक्स और मैश करने के बाद हम टिक्की बना लेंगे और इसमें कुछ इस तरह से भाजी फिल करके सारे साइड्स कवर कर लेंगे। कुछ इस तरह से कवर करने के बाद हम टिक्की को ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये और एक टिक्की मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। इस तरह से हमें टिक्की बनानी है और इसमें भाजी जो फिलिंग हमने बनाया था चना दाल का वो इसमें हमें फिल करना है और सारे साइड्स कवर कर लेने हैं। कवर करने के लिए आलू जो है अच्छे से मैश होना चाहिए, पीसेस नहीं होने चाहिए आलू के, अदरवाइज नहीं तो फिर ये जो टिक्की है वो अच्छे से नहीं बनेगी और टूटती रहेगी। फिर भाजी जो फिलिंग आपने फिल किया है वो निकलती रहेगी बाहर। और इस तरह से हमें ब्रेड क्रम्स में टिक्की कोट कर लेनी है और हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे तवा पर। तेल और घी दोनों मिक्स करके हमें इसमें टिक्की शैलो फ्राई करनी है। देखिए ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये मेरी फेवरेट डिश है मम्मी के रेसिपी में से। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय।